तू ये कह रहा है कि तेरा ब्रेकअप हो गया? हो गया। और लड़की ने तुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि तुझे इंग्लिश नहीं आती? हाँ, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारी इंग्लिश वीक वीक है। वीक वीक नहीं, वीक वीक। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? अब क्या इसको कॉम्प्लेंट बनाओ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट। पर फीलिंग्स और इमोशंस का? अरे कैसे फीलिंग्स, कैसे इमोशंस? अरे वो प्यार भी इंग्लिश में करती है, कहती है कि तुम्हें लव करना चाहिए, प्यार नहीं। अरे दोनों एक ही तो चीज है बाबा। ये सारा रहता ना, ये फ्रेंड जैसे टीवी सीरियल्स का फैलाया हुआ है। हमारे हिंदी में तो इतने सारे सीरियल्स होते हैं, जैसे देश ना ना लाडो और रिश्ता सात जन्मों का। इनसे तो बड़ी खुन्नस है इन्हें। सारा एक्सपेक्टेशन ना ये वही इंग्लिश वाले सीरीज से ला। बिल्कुल। अरे मेरी वाली जी, ठीक है, मेरी हिंदी की तारीफ करने से थकती नहीं थी, रुकती नहीं थी। अरे मैंने खुद अपने प्रपोजल का, मेरे खुद के प्रपोजल का जवाब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता सुना के दी थी। सोनल चौहान तो पता है, लेकिन ये भद्रा कौन है? चेतन भगत तो जानते हो ना? अरे क्यों नहीं जाने? क्या जानते हैं? अरे वही ना जिन्होंने ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे लिखा है। बाबा 50 शेड्स ऑफ ग्रे? अरे लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चेतन भगत के नॉवेल में भी 50वें 70वें पेज के बीच में ग्रे का ही तो सामान मिलता है। सही कहा। सविता भाभी को जानते हो क्या? मैं सब चीजें नहीं देखता। Not interested। बाबा अभी इसी का बताया नहीं पड़ता। Not interested। वाह जी वाह, क्या बात है। देश का नाम हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदी पढ़ना बोलना लिखना Not good। ऐसे ही होता है, ब्रेकअप के बाद बंदा फिलोसफिकल है। अरे ब्रेक की वो तो ठीक था, लेकिन इस वजह के लिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे अरे आती है यार। रेडिकुलस। हाँ बाबा, तू जो ये था तुझे मामू तक याद आ जाती है। वो भी बोलता है ना अब इंशाल्लाह माशाल्लाह, लड़कों ने बड़ा अच्छा खेला। बिल्कुल वैसे ही। अरे वही ना, काम चलाओ, अंग्रेजी तो मैं बोल लेता हूँ, लेकिन लेकिन शुरुआत में वो मेरी हिंदी की तारीफ करके बिल्कुल चुकती नहीं थी। अरे वो ये कहती थी कि हिंदी के ऊपर तुम्हारी पकड़ इतनी अच्छी है, शायद वैसी पकड़ मेरे ऊपर भी नहीं है। वो ये भी कहती थी कि याद है तुमने जो एंकरिंग करते वक्त वो पिंक कलर का ब्लेजर अपने उस रूममेट से भीख मांग मांग के पहना था, माँ कसम उस पर दिल लाग। लेकिन मुझे क्या पता था कि बात वही इस पिंक ब्लेजर के ऊपर 3 महीने बाद आके रुक जाएगी। अरे वो मुझसे शेक्सपियर के लाइन कहने के डिमांड कर बैठी, मैं कहाँ से कहता? तिलका गार्डन फूल फूल तो गया, कांटे रह गए। बाबा एम्बुलेंस बुलाए क्या? तो बैठ के जाना। अरे अच्छा लड़की की ऐसी कहते हैं क्या फायदा पैचअप करके? अंग्रेजी तो बोलनी आती नहीं है मुझे, पैचअप करना है। देखो बाबा बड़ा सिंपल होता है, जो कुछ बोलने का है ना गूगल ट्रांसलेटर लो, उसमें डालो और इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। उसके बाद फिर वो लड़की को बोल दो। अरे नहीं मेरे जैकी स्टॉप, देख सबसे पहले जो तू ट्रांसलेट करके बोलेगा ऐसे तू बोलेगा तो लड़की समझ जाएगी तू चेप रहा है, ऐसे ही तेरा इंप्रेशन डाउन है और गड्ढे में चल जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है उसमें से 5-6 वर्ड उठाने का और गूगल से उसका सिनोनिम खोजने का, ऐसा सिनोनिम कि शेक्सपियर का बाप भी ना पहचान पाए। बाबा क्या बात है ना, ऐसी इंग्लिश जो किसी के समझ में ना आए ना वही इज्जत दिलाती है एज अ कूल एंड इंटेलेक्चुअल गाय। सही बात है, तो लगाया जाए फोन? अरे बिल्कुल लगाया जाए। तो रुक मैं अपनी लैपी निकालता हूँ, ठीक है? उसके बाद तुझे जो बोलना है तू मुझे ट्रांसलेट करते जा हिंदी में, उसके बाद गूगल में उसे मैं ट्रांसलेट करूँगा इंग्लिश में, बाद कॉल लगा एक सांस में पूरा भग दे।
बट आई लव यू वेरी तुमको हिंदी इंसल्टिंग ब्रोक हार्ट रिमेंबर कर्स बाय कुछ नहीं हो सकता सही है।